मंच और सामने बैठे हुए भाई और बहनों, घड़ी देखने का समय तो हो चुका है और फिर भी कुछ काम संपन्न कर लिए जाएं, ये महत्वपूर्ण है। यह गोष्ठी की पहली विशेषता ये रही, गोष्ठी में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक, गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, लगभग सब राज्यों ने प्रतिनिधित्व किया। इतना ही नहीं है, अनेक अन्य देशों के लोगों ने भी प्रतिनिधित्व किया, कुछ ऑनलाइन रहे, कुछ प्रत्यक्ष में आए। दूसरी बात जो विशेषता रही, टोटल ऑडियंस, इसमें आतंकवाद के विरुद्ध प्राय ये माना जाता है, परसेप्शन है कि इस्लाम मतावलंबी शर्क करता है, इस पर कुछ भी बोलने से परहेज करता है, परंतु 60% से अधिक लोग इस्लाम मतावलंबी इस कॉन्फ्रेंस में थे। वो इस साहस के साथ और चुनौती के साथ आए, इसकी घोर निंदा करने वाले कार्यक्रम में हम सम्मिलित होंगे, हम इसको टॉलरेट नहीं करते हैं, इसकी घोर निंदा करते हैं। तीसरी एक बड़ी विशेषता रही, चाहे कश्मीर विश्वविद्यालय हो, चाहे जामिया हमदर्द हो, जामिया इस्लामिया हो, चाहे मानुका हो, चाहे JNU जैसी यूनिवर्सिटी हो, चाहे गरीब नवाज लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, जो माइनॉरिटी के बहुत बड़े बड़े अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो, इन सब के प्रोफेसर्स भी आए और साधारणतया कुलपति भी आए। इट इज द फर्स्ट टाइम ऑफ द हिस्ट्री कि इन सब ने किसी ऐसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की हो, आए हो, अभी तक नहीं है कोई, इट इज़ द फर्स्ट। इसलिए एक ऐतिहासिक यादगार भी है और आने वाले कल को निर्देशित भी करती है और स्थापित भी करती है। और वो सब आए, उपस्थिति लगाई, कुछ ने बोला, कुछ ने संदेश भेजे, परंतु एक बात बहुत साफ थी कि उन्होंने खुलकर एसोसिएट किया कि अब उनके विश्वविद्यालयों से एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ का जन्म नहीं होगा और नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ का जन्म होगा। ये असामान्य घटना है, सामान्य घटना नहीं है। सामान्य तो गोष्ठी है, असामान्य है इसका माइंडसेट। मैंने बहुत गोष्ठियाँ पिछले 10-20 साल में गया हूँ, पर तुम्हें इतना असामान्य माइंडसेट और इतना कमिटेड माइंडसेट उनका होना, जिनके ऊपर पूरा विश्व संदेह करता है, भारत संदेह करता है, वो भी संदेह करते हैं कि हम ऐसे होंगे कि नहीं होंगे, परंतु एक बात पक्की है कि इसका माइंडसेट देश के लिए एक नई दिशा और नई ऊर्जा देने वाला निश्चित हो गया। फिर भी कईयों को भरोसा नहीं होगा, ये कैसे हो सकता है, इज इट पॉसिबल और इज इट नॉट पॉसिबल, परंतु इतना जरूर है, दिल दिमाग के अंदर नए भारत का नक्शा बनाने के लिए एक नए युग का जन्म हो चुका है। इसलिए मैं कहा करता हूँ, 2014 से पहले का भारत और उसके बाद का भारत, 2014 से पहले का विश्व और उसके बाद के 7 साल का विश्व, ये एक विभाजन रेखा दुनिया में खड़ी हो गई है और जो इसको ठीक से पढ़ लेगा वो आने वाले कल के समय के अनुसार दौड़ लेगा और वो उसमें पार्टिसिपेंट भी बन जाएगा। नहीं तो समय की आदत है, वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, डस्टबिन में डालकर छोड़कर चला जाता है। परंतु तीसरी एक और रेखा भी बन गई है, भारत अब तक और अब भारत,
इसको जिन्होंने आज तक पुस्तकों से पढ़ा है उन्होंने भी अपनी सोच बदल लेनी चाहिए। रटी रटाई पुस्तकें, इसलिए मैंने बहुत लोगों को कहा कि आपके थीसिस जो पहले तैयार किए गए थे अब नई किताब लिखिए साहब, वो काल बाह्य हो गए, अब उनकी जरूरत नहीं है, उनको इतिहास की कोठड़ी में बंद कर दीजिए और नई थीसिस लिखिए, नई प्रेरणा और नई ऊर्जाओं को उसमें विकसित करिए। हम यहाँ पर हैं, सरकार का काम है, सेना का काम है, संविधान का काम है, वो करेंगे, पर जनता का भी एक दायित्व है। ध्यान रखिए, जब जब दुनिया के अंदर अधिकारों की चर्चा चलती है तो संघर्ष, विवाद और हिंसाएं जन्म लेती हैं, और जब जब कर्तव्य की चर्चा चलती है तब तक समन्वय, संवाद और समाधान निकलता है। राम राज्य पूरा का आधार अधिकार नहीं था, कर्तव्य परायणता थी, इसलिए दुनिया का श्रेष्ठतम राज्य कहलाया। राम को अपने अधिकार की चिंता नहीं थी, उनको चिंता थी माँ ने जो वायदा लिया, पिता ने जो वायदा दिया वो पूर्ण होना चाहिए, फिर मैं कष्ट उठा सकता। इसलिए लक्ष्मण ने अगर विरोध भी किया तो उसको भी ये चिंता थी, माँ ने कहा है कि भैया की और भाभी की सेवा करनी है तो दिन में इसलिए जागना है सेवा करनी है, रात को इसलिए जागना है कि प्रहरी है, तो इसलिए कर्तव्य बहुत था, वह 14 वर्ष सोया ही नहीं। और पत्नी उर्मिला के मन के अंदर कर्तव्य बहुत था, मेरा पति असफल ना हो जाए, इसलिए उसने निद्रा का जागरण करके और अनिद्रा में निद्रा लेते हुए मैं अनिद्रा में रहूं और कर्तव्य कर सकूं, ताकि मेरा पति क्षण भर के लिए भी नींद लेने के पाप और अपराध से करने से बच जाए। इसलिए समझने के लिए बहुत चीजें हैं, इसलिए दुनिया में जब जब कर्तव्य का भाव जागृत होता है तो समस्याओं के समाधान आते हैं, चाहे घर हो, चाहे समाज हो, चाहे विश्व हो, और जब जब अधिकार की चर्चा होती है तो संघर्ष जन्म लेते हैं। ये शाश्वत व्यवहार है, आचरण है, चरित्र है, परंतु जो सुबह से लेकर शाम तक हुआ कुछ चीज़ों को हम सोचेंगे और करेंगे और उसको बुलंद आवाज में कहेंगे भी। क्या हम कुछ बातों के प्रस्ताव पारित करने के लिए तैयार हैं और वो करेंगे? मैंने क्यों और क्या इसलिए कहा कि आपका मन तैयार हो, और करेंगे इसलिए कहा क्योंकि वो करना ही है, क्योंकि बचकर जाएंगे तो नालायक हो जाएंगे, कमिटमेंट में जाएंगे तो लायक हो जाएंगे। मैंने और आपने दिन भर का एक्सरसाइज इसलिए नहीं करना कि बचकर निकल जाना और नालायक होना है, इसलिए किया है कि करना है और लायक होना है और अल्टीमेटली सफल होना है। वी हैव टेकन द बर्थ नॉट टू क्रिएट द प्रॉब्लम बट टू हैव ए सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम, हम इसलिए जन्मे। मैं एक एक दो दो वाक्य में 8-10 बातें आपके सामने रख कर विषय को समाप्ति की ओर बढ़ा दूंगा। आतंकवाद ये अमानवीय भी है, असंवैधानिक भी है, और इसको राष्ट्रद्रोह और मानव हत्या के रूप में क्या संवैधानिक व्यवस्था UNO ने करनी चाहिए? आतंकवाद असंवैधानिक है, अमानवीय है, मानवता का द्रोह है, और यह मानवीय हिंसा का स्वरूप है, यह मानव की हिंसा करता है, इसलिए इसको नए ढंग से UNO ने भी परिभाषित करना चाहिए, परिभाषित करना चाहिए, और भारत ने भी इसको परिभाषित करना चाहिए। तो हम ये रेजोल्यूट करते हैं कि आतंकवाद किसी भी प्रकार का है, वह असंवैधानिक भी है, अमानवीय भी है, राष्ट्रद्रोह भी है, मानवद्रोह भी है, और वह मानवता का हिंसक भी है, शत्रु भी है।
तो अगर आप सब इसको समर्थन करते हैं तो दोनों हाथ खड़ा कर देंगे, भारत माता की। दूसरी बात, आतंकवाद को फंडिंग कानून से रोकनी चाहिए, परंतु संविधान से भी इसको रोकना चाहिए। आतंकवाद के रूप में कहीं भी किसी को किसी भी तरह की फंडिंग है, वो चीनी विस्तारवाद हो सकता है चेहरा, कि चीन अपनी चार दीवारी से निकले और कंपचूरिया मंगोलिया को हड़प ले, कुछ सिंक्यांग को हड़प ले, तिब्बत खा जाए, फिर ताइवान को और हांगकांग को आंख दिखाता रहे, दक्षिणी चीनी सागर पर हमला करे, कैलाश मानसरोवर अपना बनाकर बैठ जाए, तो ये अपनी संपत्ति को बनाता चला जाए। तो इसलिए ये रूप हो, चाहे फिर पाकिस्तान के अंदर रूप हो, हंस कर लिया पाकिस्तान लड़ कर लेंगे हिंदुस्तान, या कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है, ये जितने अतिक्रमण हैं, फिर चाहे और पाकिस्तान नेपाल के अंदर का माओवाद हो, चाहे भारत के विभिन्न राज्यों का नक्सलवाद, चाहे कट्टरता और हिंसा के ऊपर अपने मजहब को बढ़ाने के लिए सारी दुनिया को इस्लाममय ईसाईमय करेंगे, इस तरह के हिंसक स्लोगन हो, यह घोर निंदनीय थे, निंदनीय हैं और निंदनीय ही रहेंगे। और इसलिए ऐसी हिंसाओं की निंदा करने की शक्ति और सामर्थ्य होना, वेट नहीं करना, जो झिझक गए वो काल उनको छोड़कर चला जाता है, समय उनकी चिंता नहीं करता है। इसलिए ऐसी सब चीज़ों की घोर निंदा करना, तुरंत निंदा करना, क्या जगह जगह पर ऐसे समूह बनाकर हम वर्क कर सकते हैं कि ऐसी हिंसाएं जितनी भी होंगी इनकी निंदा करेंगे और कठोर निंदा करेंगे, और जो भी इसके बारे में समर्थक होगा हम मान लेंगे वो भी अमानवीय है, उसकी मानवता मर चुकी है। तो इस प्रकार से यूएनओ के चार्टर में ऐसे जितना भी आतंकवाद के मॉडल हैं, वो पंजाब का अतवाद हो या कहीं पर कन्वर्शन का हो, कि जब वो इनटॉलरेंस टू द अदर रिलीजन्स है, इट इज आल्सो टेररिज्म, इसलिए इस आतंकवाद की व्यापक व्याख्या भी करनी चाहिए और इसके लिए कानून भी बनने चाहिए और इसी के लिए उनको सजा के भी प्रावधान बनने चाहिए। मेरी और आपकी जिम्मेवारी बनती है उसको तुरंत निंदनीय कहकर समाज उसके मोहजाल में फंसकर गलत रास्ते पर ना चला जाए। आतंकवाद की खुराक सबसे बड़ी बनती है जाति आधार और मजहबी आधार। आप जितने भी टेररिज्म के चेहरे हैं उनका बेस रूट होता है या मजहब का मिलावट करके उससे एक्सप्लॉइट करना नौजवान को और लोगों को, या जाति को मिलाकर उससे करना। इसलिए कश्मीर का टेररिज्म मुस्लिम इस्लाम मतावलंबी हो गया, पंजाब का टेररिज्म सिख मतावलंबी हो गया, इसी प्रकार से आप जाएंगे तो पाकिस्तान का टेररिज्म वह इस्लाम मतावलंबी हो गया और इस्लाम का ही दुश्मन बन बैठा। इसलिए टेररिज्म में मजहब को और जाति को जोड़ना, यह संवैधानिक रूप से अपराध घोषित किया जाना चाहिए, या फिर मजहब और जाति के नाम से किसी भी समूह का एक्सप्लॉयटेशन, इट मस्ट बी स्टॉप्ड, इट मस्ट बी कंडेम्ड एंड इट मस्ट बी पनिश्ड। यह इस देश के अंदर की व्यवस्था बननी चाहिए। इसलिए जाति और मजहब के आधार पर समाज को बांटना और भड़काना, इसकी हम इस कॉन्फ्रेंस में निंदा भी करते हैं और मांग भी करते हैं, इस पर कानूनन प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था वैश्विक स्तर पर और भारत के स्तर पर करनी चाहिए। और दलों से निवेदन करते हैं वो वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर इस अपराध को ना करें। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर यह भी एक विचार करने के लिए आए हैं कि आखिरकार हम समाज जागरण में कहें क्या,
लोगों को जागृत करने के लिए, इन ट्यून करने के लिए क्या कहें? तो एक है, इट गिव्स मैनी आंसर्स टू मैनी पीपल्स एंड मैनी मूवमेंट्स, मैनी डेंजर्स एंड मैनी थ्रेट्स। और वो है कि मेरे पीछे पीछे शब्द बोलते जाएंगे, कैलाश से, कैलाश से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी हम एक थे, हम एक थे, एक हैं, एक हैं, एक रहेंगे, एक रहेंगे। फिर से बोलेंगे, कैलाश से कन्याकुमारी, कैलाश से कन्याकुमारी हम एक थे, हम एक थे, एक हैं, एक हैं, एक रहेंगे, एक रहेंगे। दूसरी वाक्य बोलेंगे, चीन कैलाश मानसरोवर खाली करो, खाली करो, हमारा है, हमारा है, हमारा है, हमारा है। चीन चीन कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर खाली करो, खाली करो, हमारा है, हमारा है, हमारा है, हमारा है। क्योंकि वो खाली कर दे और कोई और शैतान कब्जा कर ले, क्लेम भी तो करना होगा ना, और जो क्लेम नहीं करते हैं वो बहुत पछताते हैं। फिर इससे आगे की एक पंक्ति बोलेंगे, मैं शब्द बोलता हूँ, बोलते जाएं, पाकिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, वह अन्य किसी देश में, अल्पसंख्यकों पर, अल्पसंख्यकों पर जुल्म, जुल्म बंद हो, बंद हो, बंद हो, बंद हो, पाकिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बांग्लादेश, अफगानिस्तान आदि में अल्पसंख्यकों पर, अल्पसंख्यकों पर जुल्म, जुल्म बंद हो, बंद हो। ये याद भी रखने पड़ेंगे क्योंकि मैं वायदा लेने वाला हूं आगे। अक्षर इधर उधर हो गया, शब्द इधर उधर हो गया तो चलेगा, पर मिशन इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो इसी प्रकार से हम एक और वाक्य को बोलेंगे, मैं शब्द शुरू करता हूं, पाकिस्तान, पाकिस्तान की शैतानी वृत्ति का, शैतानी वृत्ति का नाश हो, नाश हो, पाकिस्तान की, पाकिस्तान की शैतानी वृत्ति का, शैतानी वृत्ति का नाश हो, नाश हो। फिर इसे आगे का करेंगे, कोरोना महामारी के लिए, कोरोना महामारी के लिए कसूरवार, कसूरवार चीन ने, चीन में विश्व से, विश्व से क्षमा, क्षमा मांगनी चाहिए, मांगनी चाहिए। इसलिए दोनों हाथ खड़ा कर देंगे एक बार इन सब वाक्यों के लिए, वंदे भारत माता की जय। इसी के साथ साथ आज देश के अंदर एक बड़ी विचित्र सी स्थिति है, और वो ये है कि ये देश को इस बात में बांट दिया जाता है कि ये अल्पसंख्यक है, ये बहुसंख्यक है। आज तो विषय नहीं लेंगे, पर इतना लाइन एक जरूर बोलता हूं, मजहब आदमी के डेवलपमेंट के लिए होता है, उसको आदमी को मानवता से भरने वाला होता है। मजहब को अल्पसंख्यक बनाना और बहुसंख्यक बनाना, ये स्वयं में अमानवीय है, असंवैधानिक है, शैतानी है। मजहब एक के पास है या अनेक के पास है, मजहब का काम इतना ही है, टू बी ए मैन, आप आदमी बनिए। तो फिर मजहब अल्पसंख्यक कैसे हो गया और मजहब बहुसंख्यक कैसे हो गया? यह बेसिकली वोट बैंक की राजनीति का शैतान है। इसलिए मैंने अभी इस्लामिक कल्चरल सेंटर में दस्तक पुस्तक जस्टिस सिद्दीकी की लिखी हुई का लोकार्पण करते हुए अल्पसंख्यकवाद पर मुस्लिम इंटेलेक्चुअल में बोला था, पर मेरी उनसे जो बात हुई थी वो कभी अल्पसंख्यकवाद के समर्थक थे। मैंने कहा मैंने वायदा किया इसलिए पुस्तक का लोकार्पण तो पक्का करूंगा, परंतु इसका अर्थ नहीं है, आई एम वेडेड एंड कमिटेड टू द बुक। मैंने आपसे हाथ मिलाया इसका अर्थ ये नहीं है कि आपकी आइडियोलॉजी मेरी हो गई, मैं ये भी नहीं कहूंगा मेरी आइडियोलॉजी आपकी हो गई,
क्योंकि अगर आप ये क्लेम करेंगे आई एम एग्रीड विद यू, तो आपको भी इस बात को मानना होगा आई एम आल्सो सरेंडर एंड एग्रीड विद इंद्रेश जी। ये वन वे अफेयर नहीं है, टू वे अफेयर है। ये वो लव अफेयर नहीं है कि लड़का तो कहता है कुड़ी पसंद है, कुड़ी कहती है मैंने पसंद ही नहीं है, तो वो शादी नहीं हो सकती। तो इसलिए परफेक्टली ये सरेंडर एंड मीटिंग पॉइंट बिटवीन द टू होता है। जब वो मिलकर चलता है तो फैमिली हैप्पी फैमिली हेल्दी फैमिली होती है, नहीं तो तलाक वाली होती है या हिंसा और विवाद वाली होती है। तो इसलिए इस बात को भी कहीं ना कहीं पर रेखांकित करना ये बहुत जरूरी है, और ताकि इसमें से निकले। इसलिए किसी के दूसरे के रिलीजन की निंदा करना, क्या वैश्विक स्तर पर इसको यूएनओ अपराध घोषित करे। अपने की प्रशंसा करो, अपने पर चलो और दूसरे की प्रशंसा करो, क्या ये करैक्टर संवैधानिक रूप से दुनिया के अंदर सबका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। फॉलो योर ओन रिलीजन, रिस्पेक्ट ऑल अदर रिलीजन, कंडमनेशन ऑफ एनी अदर रिलीजन मीन्स यू आर ए लॉ ब्रेकर, यू आर एंटी ह्यूमेनिटी। आज देश की जरूरत है और दुनिया की भी जरूरत है। तो इसलिए फिर लव जिहाद भी नहीं रहेगा, लिंचिंग ऑफ काउ भी नहीं रहेगा, कन्वर्शन भी नहीं रहेगा, पूजा स्थल टूटना भी नहीं रहेगा, दंगा भी नहीं होगा। आज तक पूरे भारत के और दुनिया के दंगों में एक सच है, कहीं पर बाइबल जलती है, कहीं कुरान शरीफ का वर्का फटता है, कहीं रामायण या गीता का अपमान होता है, दंगा होता है, झुलसता है। अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, रूस हो, चीन हो, जर्मनी हो, जापान हो, इटली हो, अरब हो, भारत हो, ये सब झुलसते हैं। पर एक बात पक्की है, किसने ये दुस्साहस किया वो कभी पकड़ा नहीं जाता है, और इसलिए शैतान मस्जिद पर खड़ा होकर, मंदिर पर खड़ा होकर, गुरुद्वारे पर खड़ा होकर अट्ठहास करता है, देखो मैंने दुनिया के सब पढ़े लिखे लोगों को शैतान बना लिया, मुझे तो भारत के अंदर कभी वो मिला ही नहीं आज तक। मैंने उन सब दंगा स्थलों पर जाकर पूछा कि आप 20 लोगों ने मिलकर उसको क्यों नहीं ढूंढा जिसने कुरान शरीफ का वर्का फाड़कर डाला था, उसको ढूंढ लेते तो दंगा मुक्त भारत हो जाता। और इसलिए भड़कने और भड़काने वाले दुनिया को जलाते रहें, हम इसकी अनुमति क्यों देंगे, हम इसके सार्थ भागीदार क्यों बनेंगे, इसके विरुद्ध विरोध में खड़े होंगे, ये नहीं चलेगा। हमारा मन ललचाया, डरा और मोहग्रस्त हुआ तो मान लेना चाहिए वी आर आल्सो एंड पार्ट एंड पार्शल ऑफ दैट वायलेंस एंड टेररिज्म। इसलिए दुनिया ये कहती है जिसने विरोध नहीं किया, केवल शांत रहा और देखा, वह भी उस अपराध का भागीदार है। कोर्ट तो उसको सजा नहीं देगा, पर ईश्वर का कोर्ट उसको नरक ही देगा। वो कहेगा हे अच्छे आदमी, तुझे भेजा इसलिए था, अच्छाई के लिए लड़, अच्छाई के लिए कर, जब अच्छाई पर जुल्म हो रहा था तूने कुछ नहीं किया, तो तेरे को अच्छा किस बात के लिए कहना है। तेरा अच्छाई जो थी वो नारकीय है, अत्याचारी है, अन्याय से भरी हुई है, अपराध वाली है, इसलिए जा। वो तुरंत कहेगा नरक नरक, हेल हेल, जन्नत नहीं, जन्नुम जन्नुम। इट इज सो डिसाइडेड, ये बिल्कुल साफ है। तो इसलिए हम एक एक्टिव रोल प्ले करेंगे इसके विरुद्ध, जिनको ये लगता है कि आई विल एंड वी विल प्ले एन एक्टिव रोल अगेंस्ट दीज ऑल इवल्स विच हैज ए फेस ऑफ टेररिज्म। इसकी घोर निंदा भी करेंगे, करवाएंगे, एक समूह के रूप में भी जिएंगे, हम इस पाप के अपराधी नहीं बनेंगे। वो जरा दोनों हाथ खड़ा कर दीजिए। भारत माता की फिल्मी गाना है, वायदा किया तो हीरो हीरोइन वाला वायदा नहीं है, सॉरी सर करके काम चल जाएगा। मालिक से और मिशन से वायदा है, इसलिए इसको जीना है और जीना ही होगा। इसलिए हम कहाँ खड़े होंगे और किस पर खड़े होंगे,
जाति का नाम आ गया तो क्या हम देश प्रेम से भटक जाएंगे, मानवता से इधर उधर हो जाएंगे? मजहब का नाम आ गया तो हम इतने एंटी सोशल हो जाएंगे कि हम मानवता और संविधान का गला घोंटने में भी परहेज नहीं करेंगे, और फिर ये भी चाहेंगे कि दूसरे ने हमारे खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। क्यों? इसलिए हम बोलेंगे, ना बोलना ये पाप और अपराध है, इसको कभी नहीं करेंगे। तो मुझे तो अभी तक नहीं लगा कि इसका कोई बुरा असर होता है, क्योंकि मैंने लाखों लाख मुसलमानों को उन जगह पर एड्रेस किया है जहां हिंसा का ही तांडव है। मैंने हजारों लाखों ईसाइयों को, नब बौद्धों को उन्हीं जगह एड्रेस किया, सिखों को, जहां हिंसा सामने खड़ी है कि कोई भी शब्द ऐसा निकला तो इतने इनटॉलरेंट है कि मौत देने में नहीं हिचकेंगे। परंतु अगर आप ईमान वाले हैं तो आपको कहीं भय नहीं आता। भारत सरकार ने भगवा हिंदू आतंकवाद के रूप में 300, 400, 500 करोड़ रुपया खर्च किया मेरे खिलाफ, बेचारी सरकार ही चली गई। और वो पूरी ताकत लगाकर, पूरी मशीनरी और सरकार लगाकर पांचों जगह में से मेरे खिलाफ पहली जो FIR होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, उसमें मेरा नाम भी नहीं दाखिल करा सके। मेरा नाम गवाहों में भी नहीं आया, केस में भी नहीं आया, पर सारे जगत को मालूम है कि इंद्रेश जी इन्वॉल्व थे और उन पर मुकदमा था। आजादी पहले मिलती फिर विभाजन कभी नहीं होता। कोई दुनिया की ताकत भारत का विभाजन नहीं कर सकती थी, इसलिए हमने विभाजन स्वीकार किया, ये पाप किया, और दुनिया को बहका ले और झूठ कर ले 40 साल 50 साल 60 साल, कितनी देर और भटकेंगे? क्यों भटकेंगे? इसलिए सत्यों को ठीक ढंग से, तथ्यों को ठीक ढंग से समझना ये होना चाहिए। और इसलिए हमारे अंदर एक बात होना चाहिए कि हम वेलफेयर के लिए काम करें, सरकार, सेना, संविधान आतंकवाद को असंवैधानिक और अमानवीय घोषित करे, मैंने पहले से कहा ही है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम एक नए भारत का आगाज करने में सफल होंगे। एक बात पक्की मानकर चलिए, जो कुछ असंभव था दुनिया में और भारत में, वो सब संभव होने लगा है। इस युग का तो जन्म हो गया कि नहीं हो गया? दैट विच वी एक्सेप्ट एंड बी प्रोपोगेट कि इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, ये कभी होंगे नहीं। परंतु पिछले 5-7 साल में भगवान की कृपा से वो सब पॉसिबल होने लग गए, चाहे राम मंदिर हो, चाहे 3 तलाक हो, चाहे 370 हो, चाहे विश्व के अंदर आयुर्वेद हो, चाहे योगा हो, चाहे भारत के नेतृत्व की प्राथमिकता और प्रथम आना हो, वो सब हो गए हैं। और दुनिया के अंदर विचित्र है, देर इज ए चाइना इज द ओनली कंट्री विच हैज ओनली वन फ्रेंड, दैट इज पाकिस्तान। अमरीका इज द कंट्री विच हैज मैनी फ्रेंड्स बट नॉट लेस देन 23, और बाकी इसलिए मित्र नहीं है उसके कि वो बड़ा अच्छा है, इसलिए है कि बेचारे खा जाएगा अमेरिका नहीं तो। पर भारत इज द बिगेस्ट मैन इन द वर्ल्ड विच हैज मोर देन 122 फ्रेंड्स इन द वर्ल्ड। इसलिए एक भारत की सच्चाई है, इस सच्चाई को कैसे प्रतिष्ठित करेंगे इसको करना चाहिए। हम सब इसमें से रेजोल्यूट करते हैं कि जाति से, दल से, पंथ से, भाषा से, भूगोल से ऊपर उठकर और परंपराओं से ऊपर उठकर हम सब सरकार के साथ थे, सरकार के साथ हैं और सरकार के साथ रहेंगे। जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, एंटी ह्यूमैनिटी है और एंटी नेशनल है, ऐसे किसी भी काम में कभी सम्मिलित नहीं होंगे। और इस प्रकार से हम इस चीज को करेंगे। यह संकल्प हम सैकड़ों से, हजारों हजारों से, लाखों लाखों से, करोड़ों का बनता चला जाए। और इसलिए जिन्होंने देश के लिए, धर्म के लिए, मानवता के लिए, संविधान के लिए श्रम किया, संघर्ष किया, बलिदान किया, क्या अपने घर में और अपने पूजा स्थल पर एक चिराग या एक अगरबत्ती रोज रोशन कर सकते कि नहीं कर सकते? एक ही पंक्ति बोलनी है, उसको शब्द में बोलता हूँ, पीछे पीछे बोलना। जिन्होंने
देश, धर्म, समाज, नैतिक जीवन मूल्यों के लिए, पर्यावरण, गरीब दुखी की सेवा में श्रम किया, संघर्ष किया, बलिदान दिया, उनको नमन। बस इतना बोलना और वो दीप या धूप जला देना। बच्चा भी पूछेगा डैडी ये क्या है, बहू भी पूछेगी सास जी ये क्या है, पड़ोसी भी पूछेगा ये क्या है, फिर जब आप बताएंगे तो वो सुन लेगा। वैसे आप उसको भगत सिंह बताने लगेंगे तो भाग जाएगा, अशफाक बताएंगे तो सुनेगा ही नहीं, देश प्रेम की बात करेंगे वो कहेगा क्या ये ऑर्थोडॉक्स लगाया हुआ है। तो इसलिए सोसाइटी को इस समय ऑटोमेटिक पैट्रियटाइज करना, ये इस देश की और दुनिया की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और इसको गर्व के साथ करना। सोशल मीडिया पर भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी, डिजिटल मीडिया पर भी, प्रिंट मीडिया पर भी, और अपने फ्रेंडशिप सर्कल में भी। तो ये हम करेंगे, डेफिनेटली द डे विल कम। अंतिम एक पंक्ति कहता हूँ, यहाँ के बाद मैं तीनों संस्थाएं और आप में जो अन्य संस्थाओं से लोग जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन करूँगा कि इस विषय को रोकना नहीं है, क्योंकि ये आने वाले कल के भारत के उदय का और विश्व की शांति का मार्ग बनने वाला सेमिनार है। इसलिए सीरीज ऑफ गोष्ठी चलाइए, ये झंझट में मत पड़ना, इतनी संख्या बुलानी है, इतनी लेविशली करनी है, वो खर्चा बड़ा झंझट खड़ा हो जाएगा। इसलिए लेट द स्टार्ट शुड बी ए गुड, इसलिए साइंस कहती है स्टार्टिंग टॉर्क डिसाइड द डेस्टिनेशन। किसी चीज का प्रारंभ तय करता है इसकी गति क्या होगी, दिशा क्या होगी, और यह मंजिल पर पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। इसलिए इस कार्यक्रम को ऐसा सजाया और रचाया गया। अब हम छोटे बड़े कार्यक्रम करें और करते हुए आगे बढ़ें, दिन भर का नहीं करें, दो दो चार चार घंटे का करें। बोलने वाले वक्ताओं का कोई संकट नहीं है, निसंकोच, निडर होकर, बेखौफ होकर सत्य और सही को बताते चले जाएं। तो ये करेंगे तो निश्चित रूप से होगा। तो इसलिए इसको समझना और करना, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अब उनको ये शर्म नहीं है कि वो कैलाश मानसरोवर को और भारत के हिमालय को क्लेम करें, तो मुझे और आपको ये कहने में क्या शर्म है, चीन की सीमा चीनी दीवार, बाकी सब कब्जा है, तो उसको ये समझाने में क्या तकलीफ है। वो कहे कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है, मुझे और आपको ये कहने में क्या तकलीफ है, भाई हमारे भी मन को ये लगता है, कराची लाहौर के बिना हम भी थोड़े अधूरे अधूरे से लगते हैं। वो कहे कि तालिबानाइजेशन में महिलाओं पर जुल्म बहुत अच्छी चीज है, जो इसका समर्थक है, हमें लगता है कि तू भी अपने घर में अपनी बीवी पर जुल्म करता होगा, इसलिए तालिबानी तुझे पसंद है। वाई नॉट दैट कांट बी आंसर्ड, उसके लिए दांत भींचने की, गुस्सा करने की, लड़ने की जरूरत क्या है, मुस्कुराते हुए कहते चले जाइए, समझ में आ जाएगी, नहीं आएगी तो चला जाएगा दुनिया से, पर उसका सिक्का नहीं चलेगा, आपका चलेगा। इसलिए इसको करना ये आवश्यक है। और फिर कहीं पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा ले फिर भी वो कहे कि मैं देशभक्त हूँ, फिर आप कहें कि इस पार्टी को इसलिए वोट देना चाहिए, कमाल की हिम्मत है इसमें, बिल्कुल कपड़े उतार के नंगा होकर कह रहा है भारत जिंदाबाद नहीं पाकिस्तान जिंदाबाद, तो ये मूर्खताएं तो बंद होनी चाहिए ना देश में। तो इस साहस के साथ वी विल एक्ट, इन्हीं शब्दों के साथ आशीर्वाद के रूप में स्वामी जी का आशीर्वाद लें हम सब, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस सफर में से जो शुरुआत हुई है यह अल्टीमेटली साल दो साल चार साल बाद उस मंजिल पर पहुंचेगी जहां से हिंसाओं से मुक्त विश्व के शुभारंभ का दिन होगा कि अब विश्व हिंसा मुक्त हो सकता है। हम इसको करेंगे, इसलिए एक फिल्मी गाने की दो लाइनें गुनगुनाएंगे, एक गाना है ना हम होंगे, बस शुरू शुरू की दो लाइनें, मैं एक दो करता हूँ, मिलकर गाएंगे,
एक दो हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एक दिन पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। भारत माता की जय। और दूसरा भी गा लेना आप, किसी ने अरब के लिए, तुर्किस्तान के लिए, अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, चीन, जर्मनी, जापान के लिए नहीं गाया तो हमारा कसूर तो नहीं है। अब नहीं गाया तो क्या करें, तो उसको भी गा लेंगे। चाहे इकबाल बाद में गड़बड़ा गया था और भटक गया था, पर शुरू में तो सच बोला, बाद में भटक गया, इसलिए बेचारे को पाकिस्तान ने याद नहीं किया। हिंदुस्तान फिर भी उसको याद कर लेता, क्योंकि यहाँ संभला हुआ था, वहाँ भटका हुआ गया था। तो फिर एक दो कहूँगा तो सारे जहाँ से अच्छा। मैं कभी कभी कश्मीर जाता हूँ तो वहाँ सारे बच्चे मिलकर अफसर नेता गा रहे होते हैं स्कूल में और महफिल में इस गाने को। फिर बाद में जो हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं, मैंने कहे मालिक कैसी दोहरी जिंदगी जीते हैं। तो मैंने इस नमूने को देखे हैं, यहाँ कर्नल जनरल कुछ बैठे हैं तो उन्होंने वो देखे होंगे सारे। वही आदमी बाद में कहता है भारत माता डायना, और वही आदमी ये भी कहता है सारे जहां से अच्छा। तो एक बार उसकी भी पंक्तियां गा लेंगे। एक दो, एक दो, सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा, हम बुलबुले हैं इसकी, यह गुलशिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। भारत माता की।